بسم الله الرحمن الرحيم. मैं ज़ियाउल मुस्तफ़ा कादरी बात कर रहा हूँ। मेरी बात गौर से सुन ली जाए। मुझे खबर मिली है कि आज सोशल मीडिया पर एक खबर नशर हो रही है कि मुझसे अथर नामी किसी शख्स ने इलियास कादरी और तारुल कादरी के बारे में सवाल किया है कि इलियास कादरी और तारुल कादरी पर कुफ्र या गुमराही का हुक्म है या नहीं, जिसके जवाब में मैंने ये कहा है कि दोनों पर ना हुक्म कुफ्र है ना हुक्म गुमराही। ये उस बयान का खुलासा है जो सोशल मीडिया पर गश्त कर रहा है। दरअसल मैं इस वाक़े के कुछ ही पहले फ्लाइट से उतरा था और समाअत मुतासिर थी। मुझे यही समझ में आया कि इलियास कादरी और शाकरुल कादरी के बारे में सवाल हो रहा है, तो मैंने मज़कूरा बाला जवाब दिया। मैं और हमारे अकाबिर उलमा ताहिरुल कादरी को उसके कुफ्रियात सरिया की बुनियाद पर काफिर मानते हैं और मैं अब भी इसी फतवे पर कायम हूँ। ताहिरुल कादरी के बारे में जो नाम की असलियत से मेरी गफलत हुई, उससे मैं इस्तग़फ़ार करता हूँ। अल्लाह ताला मुझे अफ़ो दरगुज़र से नवाजे। अलबत्ता मौलवी इलियास कादरी और मौलवी शाकिरुल कादरी, जिसे शाकिर नूरी कहा जाता है, उनके हक में वही हुक्म है जो मैंने बयान किया था, और ताहिरुल कादरी के हक में अब भी मैं कुफ्रे कतई का कायल हूँ। वल्लाहु ताला आलम। इसी जवाब को सब लोग सही जवाब अथर नामी शख्स का समझें, और वो जो मुझे उसने एक साथ दो हुक्म वालों को इस तरह पर जोड़ करके कहा, ये दरअसल मुझे मुगालता देने में उसकी एक कोशिश थी जिसका मैं इजहार कर रहा हूँ। तारीख के बारे में, आज की तारीख, आज मुअर्रखा 6 फरवरी सन 2018 का ये मेरा बयान है, और उसका सवाल कल 5 फरवरी को हुआ था।